सबसे पहले आपको कमेंट में ये बताना है कि मैं कोई भी नया चीज़ जो भी आपको लक रॉयल के सेक्शन में नया न्यूज आया है न्यू आया है कुछ भी चीज़ हो वो चाहे जाम रॉयल हो वेपन रॉयल हो इनक्यूबेटर हो जो भी हो उसको परमानेंट निकालने की ट्रिक अगर आपको जानना है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना आप लाइक करो या ना करो सब्सक्राइब करो या ना करो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है सो so गाइस मैं अगर आपको सच ही बताऊँ तो मैं आज रात को मैं चेक कर रहा था कि क्या क्या नया चीज़ आया है मुझे पता नहीं था कि वेपन रॉयल आने वाला है मुझे ये लगा था कि कुछ ये दो या तीन दिन बचा हुआ है लेकिन मैंने देखा एम सिक्सटी तो मैं ही मैंने मजाक मजाक में स्पिन कर दिया और मुझे पता भी नहीं था भाई निकल जाएगा तो मैंने इसका क्लिप भी रिकॉर्ड नहीं किया मुझे क्या पता था निकल जाएगा मैंने इसी मजाक मजाक में कर दिया भाई तो और निकल गया अभी सच्ची में सो हे फ्री फायर लवर्स आज हम आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम करने वाले हैं टेस्ट एम सिक्सटी जो न्यू एम सिक्सटी आया हुआ है कल आज सॉरी आज रात को जो वेपन रॉयल में आया हुआ है न्यू एम सिक्सटी जिसका नाम है कैप्टन बबल एम सिक्सटी That shot. इसका जो रेंज है वो डबल प्लस है और डैमेज है वो सिंगल है प्लस और जो है रिलोड स्पीड वो है माइनस तो रिलोड स्पीड से कोई यार हमको लेना देना है नहीं क्योंकि इसमें आती है साठ एमओ और जो साठ एम है वो भाई ख़त्म होने में मतलब ख़त्म होती ही नहीं है भाई कभी ख़त्म नहीं होती है एनिमी तीन चार मर जाएंगे लेकिन एम खत्म नहीं होगी तो रिलेट स्पीड इसको इग्नोर करो आप बाकी सब तो बेस्ट है और भाई इसका लॉन्ग रेंज में इतना डैमेज मस्त है भाई मतलब आप बहुत दूर कोई एनिमी है बहुत ही दूर है और उसने अगर लेवल फोर का भी वेस्ट पहना हुआ है तो उसको आप अगर जब हिट करोगे तो ये लगभग बीस या बाईस का डैमेज देगी भाई बहुत ही अच्छा गन है और एम सिक्सटी का स्पैरल चार्ज लगा हुआ हो तो भाई रिकॉल बिल्कुल नहीं होता है बहुत ही डैमेज इंक्रीज़ होने लगता है तो so गाइज आप यहाँ देख सकते हो कि हम लोग यहाँ ट्रेनिंग के लॉबी में आ गए हैं भाई मतलब ट्रेनिंग का लॉबी ही नहीं बोलेंगे भाई इसको भाई जो भी बोले मैं तो ट्रेनिंग का लॉबी ही बोलता हूँ तो आप यहाँ देखो मैं आपको टेस्ट करा के दिखाता हूँ देखो इसका हेड शॉट हेड शॉट है इसका वन एटी वन भाई ओ पी तो भाई मतलब अगर एनिमी स्टिल है तो वन एटी वन का लगेगा और अगर इधर उधर कूद रहे है भाई इधर से उधर तो ज़्यादा का हेडशॉट लगता है मतलब एक बार में ख़त्म हो जाते हैं बंदे और भाई इसका डैमेज देखो तैंतीस तैंतीस का डैमेज भाई थोड़ा देखो लॉन्ग में भी वन एटी वन का ही हेडशॉट पड़ रहा है और थोड़ा दूर मार के देखते हैं भाई और थोड़ा दूर मार के देखते हैं उस पर मार के देखते हैं थोड़ा बॉडी शॉट उस पर मारेंगे देखो तैंतीस तैंतीस का कोई डैमेज में कमी नहीं है और भी और दूर मारेंगे तो देखो भाई एक डैमेज बस कम हुआ है बत्तीस का डैमेज पड़ रहा है तो समझ जाओ भाई कितना अच्छा गन है और सबसे दूर वाले को देख रहे हो भाई उसको भी बत्तीस बत्तीस तैंतीस तैंतीस तो समझ जाओ भाई अगर एनीमी ने लेवल फोर का वेस्ट पहना है तो भाई बीस या इक्कीस का तो लगेगा ही और देखो कितना वन सेवेंटी तक का लगा था हेडशॉट भाई लॉन्ग रेंज में वन सेवेंटी सिक्स भाई बहुत होता है वन सेवेंटी सिक्स आप इजीली एनीमी को मार सकते हो भाई और आपको साठ एम मिलती है भाई और मैं एडम या मैं एडम लेके खेल रहा हूँ क्योंकि एडम की वजह से ये निकला है शायद क्योंकि मैं नहीं मानता यार कि एडम ले लो उसको काला कर लो और उसको जंगली बना के जैसा भी बना के आप कोई भी स्किन या फिर जो भी आप निकालना चाहते हो इंक्लूबेटर से लक रॉयल से किसी भी लक रॉयल से तो वो निकल जाएगा भाई मैं मानता नहीं हूँ और नहीं मानूंगा लेकिन भाई अब ये मेरा एम सिक्सटी उसी की वजह से निकला है तो अब कैसे करूँ मैं क्या करूँ बताओ अभी आप तो आपको इसका ट्रिक जानना है कि आपको कोई भी जो भी आया है अगर डायमंड रॉयल में न्यू आया है कुछ और वेपन रॉयल में कुछ न्यू आया है इनक्लूबेटर में कुछ न्यू आया है भाई मतलब लक रॉयल के सेक्शन में जो भी नया आया है उसको आप अगर निकालना चाहते हो कुछ इस स्पिन में तो उसका ट्रिक जानने के लिए भाई आप कमेंट में ज़रूर बताना मैं ज़रूर बनाऊँगा आप सब्सक्राइब करो या लाइक करो उससे मुझे मतलब नहीं है बस आप बताना कि आपको ये चाहिए या नहीं चाहिए